हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मुकेश और आपका स्वागत है मेरे इस नए सीरीज में। और दिस सीरीज नेम इज यू मी एंड ट्रेड। आज जो हमारा टॉपिक्स है वो फिन निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटेजी है। और फिन निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटेजी ये मैंने इसलिए चुना है क्योंकि कल मीन्स ट्यूसडे को हमारा फिन निफ्टी का एक्सपायरी डे है। तो इसका हम प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि हम बहुत अच्छे तरीके से सारे टेक्निक्स पे हम बात करते हैं और सारा टेक्निक्स को हम लेके आते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि हमें काम कैसे करना होता है। क्योंकि अगर आप पूरा कंप्लीट सेटअप पे ही वर्क करना चाहते हो, और जैसे कि बाई किया और सेल किया इंट्राडेस में अगर काम कर रहे होते, अगर आप सेफ गेम खेलना चाह रहे हो और आपके पास नियर अबाउट 1 लाख रुपीज है, तो आप ये गेम खेल सकते हो, ये गेम काम कर सकते हो, ये सेटअप पे वर्क कर सकते हो। क्योंकि ये वर्क अगर आप करते हो तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होता है और वो भी बहुत सेफ होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ ऐसा कर रहे हो और वहाँ पे कुछ ऐसा कर रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास नियर अबाउट 60,000 रुपीज़ भी है तो आप इस पर काम कर सकते हो, राइट। फिर निफ्टी पे काम करने के लिए नियर अबाउट इतना ही होता है, इससे ज़्यादा का नहीं आता है, तो आप इस पर काम कर सकते हो, राइट। चलिए फिन निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटेजी पे और हम किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि कल का हमारा एक्सपायरी है और उसी के प्रिपरेशन के लिए हम ये काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारा थंबनेल से और थंबनेल में लिखा है फिन निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटेजी और फिन निफ्टी ट्रेडिंग प्रिपरेशन, राइट। क्योंकि टुमारो है इसलिए प्रिपरेशन फॉर ट्यूजडे एक्सपायरी स्पेशल विथ 1 लॉट। अगर आप एक्सपायरी स्पेशल्स पे काम करना चाहते हो और प्रॉफिटेबल्स बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे कि हम हमेशा लिखते हैं और ये भी मैं बताता हूँ कि कौन सा दिन पे कौन सा इंडेक्स या ऑप्शन हमें काम करता है और उस पर काम करना होता है, तो आप इस चार्ट को देख के समझ सकते हो और उस पर भी काम कर सकते हो। नाउ डायरेक्टली हम यहाँ से चलते हैं आपके चार्ट्स पे, पैटर्न्स पे, और वहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि आज का जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न्स है D1 डे पे क्या दिखा रहा है और कल हमें ये इस पर क्या सिग्नल्स मिल सकते हैं। जैसा कि हमने कल ही बताया था कि ये जो बैंक फिन निफ्टीज है या फिर बैंक एक्स की बात करूं तो आप बैंक एक्स को भी मैं आपको आज मैं बता रहा हूँ कि मैंने वहाँ पे ये बताया था कि पहले तो मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। बहुत सारा चीज़ ओपन है और मैं अगर आप मेरा कल का वीडियो देख रहे हो तो आपको वहाँ पे समझ में आया होगा। मैंने बताया था कि ये यहाँ पे था, मैंने कहा था कि हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये वाला जो लाइन्स है सबसे पहले इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ब्रेकआउट करने की कोशिश करो और इसने किया भी है। उसके बाद नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स की तरफ में आया और वो आया भी है। अगर हम एक लाइन यहाँ से खींचे तो हमें ये दिख रहा है ये यहाँ से ऊपर अब नहीं जाएगा और यहाँ से नीचे की तरफ ही जाने की कोशिश करेगा। और रही बात मार्केट का, मार्केट कुछ भी कर सकता है, बट दिस इज द प्रोबेबिलिटीज, ये नीचे की तरफ ही अब जाएगा। हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए और ऊपर के बाद बहुत अच्छे तरीके से नीचे आए, या फिर गैप डाउन ही खुले यहाँ से और इस जगह से खुल के नीचे की तरफ में शोल्डर्स की जगह से डाउनवर्ड शोल्डर्स की खुल के नीचे की तरफ भी जाए, ब्लैक क्रॉप बनाने की कोशिश करेगा। या नहीं तो अगर एक कैंडल्स नीचे जाए फिर इसके ऊपर अगर जाता है तो बहुत बड़ा बिग बुल मार्केट हमें दिखने को लगेगा, बट हमें ऐसा दिख नहीं रहा है, यहाँ से नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। नाउ अब हम चलते हैं फिन निफ्टी का, और फिन निफ्टी के साथ भी वही सिनेरियो दिख रहा है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये पहला ब्रेकआउट यहाँ से तो यहाँ कर चुका था, फिर उसके बाद इसमें जो हायर हाई बनाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो धीरे धीरे यहाँ से घटता हुआ दिख रहा है। ये कैंडल्स बहुत बड़ा दिखा और ये हुआ, अब यहाँ से नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। तो हमने क्या किया है, इससे पहले वाले हम ले सकते थे यहाँ पे एक्सपायरी को, लेकिन हम उसको नहीं चुना। हमने चुना है 11th वाले के, 11 मार्च को, और 11 मार्च में उस दिन ट्यूजडे नहीं है, बट उस दिन कौन सा दिन था मैं वो भी बता देता हूँ। 11 मार्च मंडे था और मंडे को ही ये, क्योंकि ट्यूसडे को हो सकता है हॉलीडे था, और मंडे को ही ये यहाँ से क्या हुआ है फिन निफ्टी की ही बात कर रहा हूँ ना मैं, यस, फिन निफ्टी इसी दिन एक्सपायर हुआ है, राइट। चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं तो आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है और इसी को मैं एक ग्राउंड बना के, क्योंकि हमारे पास जो ये लेवल है ये चीज़ें यहाँ दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पे इस तरह के कैंडल्स कल के लिए बन सकता है। तो हमें इसको प्रिपरेशन कर लेते हैं। आपको लगता है नहीं यहाँ से और ऊपर जाएगा जिस तरह से दिख रहा है, मार्केट्स मुझे ऐसा नहीं लगता है। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बना राइट, ग्रीन कैंडल्स के बाद ये बहुत बड़ा अपवर्ड बन रहा है, बट ये जो लाइन है ये लाइंस हमें सपोर्ट दे रहा है, यहाँ से रेसिस्टेंस की तरह का काम करेगा क्योंकि मैं इस लाइन को छोड़ नहीं रहा हूँ। आप लगातार मैं इस लाइन को पकड़ के रखा हुआ है, और ताकि मैं आपको ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं खुद भी देख रियलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पर वर्क कर रहा हूँ कि ये जो हमारा ड्रॉ लाइन है वो कितनी दूर तक और किस तरह से काम कर रहा है राइट। इसके हिसाब से हमने इसको रखा है, और यहाँ से मुझे लग रहा है इस लाइंस को इस कैंडल्स पे हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए वो 11 का है, 11 का आज मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ। तो 11 में मैंने क्या देखा है कि ये जो कैंडल्स है अगर इस पैटर्न्स को देखोगे तो आपको यहीं पे समझ में आएगा, एक बहुत नीचे गया है फिर ऊपर होके यहाँ पे आके रुका है। सिमिलरली अगर आप इसको देखोगे, आप इसका हमें 5 मिनट्स का दिखाऊँ फिन निफ्टी का, तो आपको वहाँ पे ये चीजें दिखेगा राइट। आप देखो फिन निफ्टी में भी वही किया है राइट, आपको ये चीजें दिख रहा है। 5 मिनट्स का चार्ट है, ये भी हमारा 5 मिनट का चार्ट है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है राइट। अब यहाँ पे देखो तो ये नीचे की तरफ, ये वाला देखो नीचे की तरफ आ रहा है, और सिमिलरली ये वाला चीज आप देखोगे नीचे की तरफ ही जा रहा है। अगर यहाँ पे एक लाइंस जो वेटेड मूविंग एवरेज को हम लगाए तो वेटेड मूविंग एवरेज का जो गया है वो इस तरह से गया, और यहाँ पे वेटेड मूविंग एवरेज भी लगभग इसी तरह से आ रहा है। तो ये बहुत ज्यादा अगर यहाँ से लेके नीचे, क्योंकि ये वाला कैंडल्स इसमें नहीं है इसकी वजह से है, नहीं तो ये वाला कैंडल जिस तरह से मूवमेंट दिख रहा है सिमिलरली सेम मूवमेंट आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए नाउ, अब हमें इसी के प्रिपरेशंस के ऊपर से हमें बाइंग कर और सेल करने की कोशिश करेंगे। मेरा आपको ये बस इतना है कि ये 11 को जैसे ही हो सकता है अगर इस तरह का खुले तो वेल एंड गुड, हमारा प्रैक्टिस हो चुका है और हम इसी तरह से काम करेंगे राइट। 5 मिनट पे हम यहाँ पे चलेंगे, और 5 मिनट पे जो भी हमारा अप्स एंड डाउन्स दिखेगा वहाँ पे हम 1-2 लाइन्स खींच देंगे राइट, एक ऊपर का और एक नीचे का। 5 मिनट के बाद जो 20 मिनट जिस तरह से हमें दिख रहा है ये डाउनवर्ड के डायरेक्शन में दिख रहा है, ये भी कैंडल्स बनने के बाद रेड में ही बनना है, और दूसरा कैंडल जो यहाँ से ओपन हो रहा है वो भी रेड में ही खुल रहा है। तो हम इस जगह पे जैसे ही हम आएंगे सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, वो हमारा काम ये होगा कि हम इसका सबसे नीचे वाला जो भी 5-8 का होगा, जो भी आपको दिख रहा है 10 पैसे का 6 पैसे का, वो हमें यहाँ से बाई कर लेना है राइट। एक यहाँ पे बाई कर लिया, और नीचे जाके जो भी हमारे पास होगा हम उसको बाई कर लेंगे राइट। जो भी हमें दिख रहा है हमने इसको बाय कर लिया, बाय करने नहीं दे रहा है चलिए, इधर तो दिया बाय करना और इधर बाय करना, चलिए ये वाला हमने बाय कर लिया राइट। एक इधर का बाय कर लिया और इधर का सी और पी साइड्स का हमने बाय कर लिया है। अब हमें क्या करना है राइट, सबसे पहली बात हमें क्या करना, अब हमारा यहाँ पे हम कहाँ पे आ चुके हैं, ये हमारा एट द मनी है, और एट द मनी पे हमें क्या करना है, अगर ये दिख रहा है डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है तो हमें सबसे पहले सीई साइड का हम सेल करेंगे। सी साइड मीन्स डाउनवर्ड की तरफ आएगा तो हम कैसा करेंगे राइट। तो हमें क्या दिख रहा है, अब यहाँ पे 3 रो हमें दिख रहे हैं, जो पहला हमने बाय किया, दूसरा ये हमने जो बाय सेल किया है वो ये। अब हम क्या करेंगे, इस यहाँ से हमारा नियर अबाउट आप ये देखो कि ये लगातार नीचे की तरफ गया है और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया है। तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से सबसे पहले ये तो कैंडल्स होगा, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, थोड़ा हम और वेट करेंगे, नीचे जाएंगे, दूसरा कैंडल्स का देखते हैं, तो यहाँ से निकल जाएंगे नियर अबाउट 935 पे, फिर इसमें बाइंग करेंगे अपवर्ड के डायरेक्शन में। 935 अगर बोल तो हमारा नियर अबाउट 935 की बात करूँ तो यस, ये यहाँ पे अगर हम देखें तो नियर अबाउट 540 रुपीज का हमें प्रॉफिट हो रहा है राइट। अब ये हम कहाँ चले गए, यहाँ से लेके यहाँ तक 935 और 940 राइट। अब हम 40 में जाएंगे तो हमें बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा राइट। उसके बाद यहाँ से ऊपर जाते हैं, फिर एक नीचे की तरफ आएगा, चलिए हम इसमें एंट्री लेते हैं इस जगह पे, और यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर लॉक करेंगे और यहाँ से सबसे पहले हम ऊपर की तरफ का एक बाई करेंगे, दैट मीन्स पी को हम बाई करेंगे। और जैसा कि आपको मैंने बताया यहाँ पे पी का हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। पी को सेल करने के बाद हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, ये वाला 955 पे, राइट। चलिए 955 पे चलते हैं, सीधा हम 15 मिनट्स का ले लें तो 955 का हम आ चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ से डाउनवर्ड्स की तरफ दिख रहा है, फिर अपवर्ड है, फिर डाउनवर्ड है। तो आपको ये वाला 5 मिनट्स का है तो हमें जरूर एक्शन लेना चाहिए। चलिए यहाँ से हम एक्शन लेते हैं, यहाँ तक का हम एक्शन ले लेंगे और वो डाउनवर्ड्स की तरफ का ही होगा। चलिए हमारे पास डाउनवर्ड्स की तरफ सी को हम सेल करेंगे, सी को सेल करेंगे। फिर हम यहाँ से ये अमाउंट आपको देखें तो हमें 10-15 तक हम चलेंगे, राइट। 10-15 तक हमें चलना है। 10-15 तक हमें जाना है, राइट। सीधा 10-15 तक हमें जाना है, तो हम चल चुके। और नियर और हमें जो प्रॉफिट हो रहा है, नियर अबाउट ये प्रॉफिट हमें हो रहा है, राइट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से फिर यहाँ जाने के बाद ये वाला कैंडल्स जा रहा है, हम सीधा इस कैंडल्स के नियर अबाउट हम आएंगे। और अपर डायरेक्शन में जाना है तो हो सकता है हम यहाँ पे लूप्स ना दें और नीचे जाने की तरफ ही कोशिश करेंगे, तो जाने देते हैं, राइट। सीधा हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और क्योंकि हमारा ये सी ही सेल हुआ है, राइट। और ये वाला कौन सा था, पी। तो अब पी पे हम काम नहीं करना, पी राइट ये वाला, ठीक है। चलिए हमारा 15 पे चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। और ये जो जा रहा है यहाँ तक हमारे 1220 तक, राइट। चलिए 1220 तक हमें जाना है और वहाँ से हमें ये देखना है कि कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है। 1220 तक हमें जाना है, राइट। 1220 तक जाना है। अब 5 मिनट्स और जाएंगे तो 1221 तक आएगा। नियर अबाउट 3100 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। अब ये जो कैंडल्स हमें दिख रहा है, इस कैंडल्स में अपवर्ड की तरफ हम जाएंगे, फिर एक नीचे की तरफ आ रहा है उधर भी आएंगे, फिर इसकी तरफ हम जाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद यहाँ से लेके ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ तक आके खत्म हो जाता है। तो आज का जो ट्रेडिंग्स होगा हमारा, इसमें हम इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि ये हमें कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जब हमारे अपने सेटअप चलते हैं तो, राइट। उस जगह पे ये प्रॉब्लम महसूस करता है। चलिए हमारा क्या हुआ, अब हमने यहाँ तक आए और यहाँ आने के बाद हमें ऊपर की तरफ जाना है, तो हमें इसको पहले क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद एक लेग ओपन करेंगे, वो भी किधर का, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो दैट मीन्स हमें पी को हम सेल करना है। पी को हमने सेल कर दिया और पी को सेल करके हाइड किया। हाइड करने के बाद हमें कहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है, राइट। 1240 तक। चलिए 1240 तक हमें चलते हैं, 950 पे, और ये 1241 तक हम आ चुके हैं। नियर अबाउट जो भी प्रॉफिट होगा वो हमें दिख रहा है, नियर अबाउट यहाँ पे हम आ चुके हैं। और यहाँ से आप डाउनवर्ड्स की तरफ में दिख रहे हैं, तो हमें डाउनवर्ड्स की तरफ में लेना चाहिए क्योंकि जब मूवमेंट्स हो रहा है 5 मिनट्स में, जो डायरेक्शंस दिख रहा है उस डायरेक्शन के साथ हमें चलना चाहिए। तो हमें यहाँ पे अभी देखें तो 1245 के नियर अबाउट आ चुके हैं। अब इसके बाद में अगर आपको अपना हमारा जो सेटअप है उस सेटअप पे भी हमें काम करना है, और यहाँ पे आने के बाद क्योंकि जो हमारा सेटअप है वो सेटअप पे काम करेंगे। और इसका जो मिडिल होगा वो मिडिल पे हमें आपके ये मिडिल लाइन्स है जहाँ पे राइट, ये मिडिल लाइन है और जहाँ पे हमें 1245 ये हमें अब यहाँ से यहाँ तक आए, नियर अबाउट यहाँ पे हम आ चुके हैं, राइट 1240 पे। और ये हम कहाँ पे 1240 पे आ चुके हैं। और इसके बाद यहाँ से इस लाइन्स तक हम आने की कोशिश करेंगे या फिर यहाँ जाते हैं, इसके बाद यहाँ पे हम इसको बाय करेंगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 30 पे, दैट मीन्स हमारे डाउनवर्ड्स। अब हमारा क्या है, नीचे पी हो चुका है। तो अब ये हमारा 1241 पे है, 1241 पे। तो यहाँ से हम नीचे चलेंगे, करेक्ट। चलिए हम इसको सबसे पहले क्लोज करते हैं और 1240 पे हमें सी साइज को सेल करना है। हमें क्या करना है, सी साइज को सेल करना है, राइट। चलिए सी साइज का हमने सेल कर दिया, उसके बाद हमें इसको क्लोज शो में क्लोज कर दिया और हमें यहाँ देखना रखना है, हमें जाना है नियर अबाउट 13-15। चलिए 13-15 जाने के लिए 15 किया, एक और डालेंगे, फिर एक 5 मिनट्स पे चलेंगे तो हमें ट्रेन वहाँ पे हम आ चुके हैं नियर अबाउट इस जगह। और यहाँ से अब हम कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे इस लाइन्स पे हमें बाई करना है क्योंकि हमारा अपना सिमुलेशंस भी चलाना है, उस सिमुलेशंस में हमें यहाँ पे आके बाई करना है। नाउ हमें बाई कितने पे आकर करना है, यहाँ पे अगर आते हैं तो नियर अबाउट ये वाला जो लाइन है 12:13:25 राइट, 1:25 पे हमें आना है। 1:25 में आ चुके हैं और 1:25 में हमें क्या करना है, दोनों साइड्स का सेल करना है। अब हम यहाँ चलते हैं क्योंकि हमारे सेटअप्स पे हमें काम करना है, तो वो भी सेटअप्स हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के देता है। तो अब हम यहाँ पे ये वाला यस और ये वाला राइट। अब चलिए शो करते हैं तो हमें दिखेगा कि हमने क्या किया है। यहाँ पे दोनों एक एक हमने सेल किया राइट, बी और सी दोनों साइड्स को सेल किया। अब हम चलते हैं, आपको दिखेगा यहाँ पे जो दिख रहा है जो हमने यहाँ पे लिया है नियर अबाउट, अब ये हमारा सेटअप्स बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके हमें देगा। चलिए चल के देखते हैं, सीधा हम चलते हैं 30 मिनट्स के, तो हमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स राइट। 30 मिनट्स का और चलते हैं 4,044 ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस जो हमें प्रॉफिट्स का होता था वो हमें यहाँ से लेकर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। अगर आप इसी लाइन पे यहाँ पे 15 पे 10 पे ले लेते हैं तो आपको यहाँ पे, मैं आपको हमेशा बोलूँगा इसको लेके यहाँ आता है और या फिर ये वाला जो लाइन से यहाँ तक आया और यहाँ पे अगर आप भाग जाते हो नियर अबाउट 15 पे तो आपको एक 15, 16 एंड 17 राइट की आता है 20 पे, तो आपको 15, 17 पे आप रहते हो तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो, और भी चांसेस होते हैं जो आपको प्रॉफिट हो सकता है। आप देखोगे ये आप 70 पे आ जाओ, ये वाला देखिए 4,216। तो इस तरीके से आपको प्रोसेस में जाना है और आपको काम करना है, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे करना है राइट। सो बेस्ट भी यही है तरीका है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव काम करना है और बहुत सेफ तरीके से, क्योंकि आपका यहाँ पे CEP दोनों पे काम कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत होता नहीं है। तो आप यहाँ पे ना डरें, क्योंकि आप जहाँ पे ज़्यादा अगर यहाँ पे टाइम वेस्ट करेगा भी तो आपको जो θDK है वो ज़रूर मिलेगा, और θDK के लिए ही हम एक्सपायरी में काम कर रहे होते हैं। ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, जितना टाइम चलेगा उतना हमारा θDK का प्रॉफिट हमें मिलेगा राइट। तो θDK को ही लेने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें काम करते हैं, और यहाँ से आपने देखा कि प्रॉफिट हमें यहाँ पे नहीं मिले, हमारा सेटअप हुआ है वहाँ से भी 500 से 800 रुपीज़ नियर अबाउट, 1,000 रुपीज़ नियर अबाउट आ गया, 3,000 वहाँ था और 1,200 नियर अबाउट यहाँ पे आ गया। तो हमारे पास अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो चुका है राइट। तो इसी तरीके से हमें काम करना है, और अपॉर्चुनिटी जैसे मैंने आपको बोला अगर कैंडल्स ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से फिर ऊपर जा रहा है, तो ये वाला चीज़ में यहाँ पे अगर निकल जाते हैं, यहाँ से फिर नीचे की तरफ गया राइट, तो आप यहीं पर निकल जाते तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, नहीं तो आपको 200 इसका ऐसे ही लॉस, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक ढंग का जितने भी प्रॉफिट्स हम कह सकते हैं वो आपको आ चुका है राइट। चलिए बेस्ट तरीका आपको सब कुछ समझ में आ गया जो हमने क्या किया। एडजस्टमेंट अगर टोटल्स आप इसमें बाइंग और सेलिंग का एडजस्टमेंट देखोगे तो वो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हो सकते हैं राइट, 9 और 10 से तो इतने सारे आपके पास अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। 10 अगर होता है तो उसमें भी 5 × 10 × 23 करोगे तो नियर अबाउट 230-240 रुपीज़ का नियर अबाउट आपके यहाँ पे जा रहे हैं, और आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी आ रहा है। तो आपको शायद एडजस्टमेंट समझ में आ गया, और जो हमने आपको दिखाया है कि हमारा बैंक निफ्टी पे FinNifty पे किस तरह से प्रैक्टिस करना है, आपको कल अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, और प्रैक्टिस में ही आपको परफेक्शनिस्ट आ जाएगा और वहाँ पर आपको बेस्ट तरीके से आप अपना बिजनेस कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल्स भी बन सकते हैं। तरह से मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया है कहाँ पे क्या लेना है, कहाँ पे कितने प्रॉफिट्स में आ सकते हैं, किस तरीके से आपको एडजस्टमेंट करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, और अपना जो सेटअप है कहाँ पे आपको लेना है, जो हमारा सुकून वाला सेटअप से जिसके बाद हम कुछ करते नहीं हैं तो वहाँ पे हमको कैसे करना है। इसी तरह मैंने धीरे धीरे आपको पहले सुकून वाला ट्रेडिंग्स बताया था, उसके बाद मैंने फिर ये वाला ट्रेडिंग बता रहा हूँ कहाँ पे हमें इनिशियल्स ही हमको ले लेना है और वहाँ पे एंट्री लेने के बाद आपको कैसे प्रॉफिट जनरेट हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश किया है। आपको अगर थोड़ा सा कहीं पे दिक्कत हो रहा है कि नहीं अगर यहाँ पे हम नहीं लेते हैं फिर यहाँ पे क्या करना चाहिए, फिर भी यहाँ पे क्या करना चाहिए, ऐसा है तो आप वीडियो को रिपीटेटेबल करके देख सकते हैं और आप यहाँ से जो भी सेटअप मैं बता रहा हूँ सेटअप्स को देखने की कोशिश करें, काम करने की कोशिश करें तो आपका प्रॉफिट जरूर बनेगा ना। अगर ये वीडियोस लगता है कि आपके लिए यूजफुल है और आपको कुछ ऐड दे रहा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।